सो गाइस जेलवी यादव आज से 2 दिन पहले मतलब कि बिग बॉस ओटीटी स्टार्ट होने से पहले मतलब कि बिग बॉस के लिए हाइप बनाने के लिए एक रील वीडियो अपलोड करी थी अपने इंस्टा पे एंड उस वीडियो में जेलवी यादव कैरी मिनाटी को थोड़ा सा वहाँ पे रोस्ट भी किए थे और साथ ही वहाँ पे ट्रिगर्ड इंसान को लेकर भी कुछ कहे थे एंड वो क्या कहते मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। बट अभी उसी रील वीडियो को लेकर फुकरा इंसान जेलवी यादव में थोड़ा सा लफड़ा हो चुका है, तो पहले मैं आप लोगों को सुना देता हूँ बेसिकली जेलवी यादव उस वीडियो में ट्रिगर्ड इंसान को लेकर क्या कहे थे। और दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है दूसरा कंटेस्टेंट होना चाहिए हमारे निश्चय भाई, क्योंकि मलान फैमिली से भाई एक इंसान हर साल बिग बॉस में जाना चाहिए रनर अप की पोजीशन के लिए, यार कोई तो हो, क्यों अभिषेक भाई है? और तीसरा तो इसी चीज के रिप्लाई में फुकरा इंसान अभी इसी वीडियो के नीचे एलविस यादव को रिप्लाई करते हुए लिखे, अरे एलविस भाई निश्चय गवर्नमेंट से अवार्ड जीता था, आपको गवर्नमेंट से क्या मिला था? तो यहाँ पे एलविस यादव इसका बड़ा ही सेवेज रिप्लाई करते हुए लिखे, हाहा ब्रो आई डोंट नो, आपका ह्यूमर और टॉलरेंस आपको देखने वाली जनता की एज की तरह ही कम है। देन इसके बाद यहाँ पे एलविस यादव जोकर वाला इमोजी भी लगाए हैं। ऑल्सो के जहाँ पे फुकरा इंसान के ड्राइवर जासूस किंग ने भी एलविस यादव को लेकर ट्वीट करी है, तो यहाँ पे जासूस किंग भी एलविस यादव को पोक करते हुए ट्वीट किए, ऐसी बात नहीं है, एलविस को भी गवर्नमेंट से अवार्ड मिला था एकोमेंडेशन का। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग इस चीज पे क्या कहना चाहते हो, आप लोग यहाँ पे फुकरा इंसान और एलविस यादव को लेकर क्या कहना चाहते हो, इस पे आप लोग अपना क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार फिलहाल इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।